दोस्तों 28 मई 2023 को एक सक्षम माइंड प्रतियोगिता झीड़ी आश्रम इमलिया का गांव में जो है वो ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। जैसे मैंने पिछले साल जो है 22 मई 2023 को कराई थी, अब की बार जो है 28 मई 2023 को ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो 6th से 12th और उससे ऊपर वाले भी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें दो बोर्ड होंगे जैसे 6th से 8th और 9th से 12th एंड एबव, तो इनके लिए पेपर अलग होगा 6th से 8th क्लास के लिए, और 9th और 9th से ऊपर वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग पेपर होगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड में अगर डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम आती है, जब सेम नंबर आ जाते हैं तो फिर उसमें टाइप क्वेश्चन पेपर अलग से दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं इसमें कितने पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। ईच क्वेश्चन जो है एक मार्क का होगा और रिपोर्टिंग टाइम जो है 8:30 बजे। तो दोस्तों 8:30 बजे जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो एंट्री कर सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइमिंग 8:30 बजे, 9 बजे से 9:30 बजे तक आपको प्रतियोगिता के बारे में समझाया जाएगा, किस पर्पस के लिए कराई जा रही है, और उसमें जो टीम मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं वो भी आपको गाइड करेंगे, और उसके आपकी यदि कोई क्वेरी है तो उस टाइम आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो टाइम से ही एंट्री करें तो 9:45 पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स डिटेल्स जो है वो आपको फिल करनी होगी, जैसे स्टूडेंट्स नेम, क्लास, सीरियल नंबर, मोबाइल नंबर। अब इसमें यदि पेपर एग्जाम टाइमिंग उसके बाद 9:15 है उसको ढंग से समझना है, डिटेल भरनी है अपनी, और यहाँ टाइम ड्यूरेशन जो होगा 10:00 से 11:00 बजे तक, यानी कि पेपर का जो एग्जाम टाइमिंग है वो 10:00 से लेकर 11:00 बजे तक, 1 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर का, ठीक है, और 1 घंटे बाद आपका पेपर वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए 1.5-2 घंटे में ही आपका लगभग जो है रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैं कुलदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सक्षम प्रतियोगिता। दोस्तों मेरा दूसरा चैनल भी है सक्षम माइंड, और इसमें जो है आप जो क्लास 10th के लिए जो मैथ्स की साइंस की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और सक्षम प्रतियोगिता पर जो क्विज कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है या गवर्नमेंट जॉब से है, जैसे SSC, रेलवे, बैंक और पुलिस फोर्सेस, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ देख सकते हो। मैथड भी और शॉर्ट ट्रिक कौन कौन से सब्जेक्ट एग्जाम में आएंगे आपके लिए प्रतियोगिता के लिए, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड कंप्यूटर। इसमें पांच क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के ही हिंदी के होंगे, इंग्लिश मैथ्स के भी 5-5 होंगे, और रीजनिंग के भी 5 हैं। जीके और कंप्यूटर दोनों को मिला के ये 20 मार्क्स के। दोस्तों यदि कोई आपको डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पर, इस पर विजिट कर सकते हो, यूट्यूब चैनल है सक्षम प्रतियोगिता। और इसके बारे में देखिए जो फर्स्ट प्राइज होगा वो 1151 रुपीज़, काफ़ी खुशखबरी है आपके लिए। और दोस्तों सेकंड जो प्राइस होगा 751 रुपीज़, थर्ड जो है वो 551 रुपीज़, और स्पेशल प्राइस जो है वो 251 रुपीज़, और कंसोलेशन प्राइस 101 रुपीज़। ये 5-5 को, यानी कि फर्स्ट 5 को दिया जाएगा, इन पोजीशन के बाद जो 5th पोजीशन 6th 7th 8th 9, ठीक है, तो उनके लिए 100 101 रुपीज़। अभी इसमें और भी कुछ हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, उसी टाइम आपको रिजल्ट के टाइम बता दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है, तो 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। क्लिप बोर्ड, पेन, स्कूल आईडी, आधार आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी यदि कोई कॉपी है, फोटो कॉपी आपको लानी है, जिससे ये पता चल जाए कि ये बच्चा जो है कितनी एज का है और किस क्लास में है, तो स्कूल आईडी से पता चल जाता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि मानो 5th क्लास में है और वो 6th से 8th क्लास तक के लिए बैठ जाता है, बड़ी क्लास का है, 11th 12th क्लास का है और 6th से 8th क्लास में वो एंट्री कर जाता है, तो ऐसा ना करें, ईमानदारी से, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका ध्यान रखें। और बाकी जो है यदि कोई और भी आपका क्वेश्चन रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इसमें कोई इंटरप्ट ना करें, मतलब अगर यदि कोई क्योरी है तो ये आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ये दे ही दिया है। क्वेश्चन के आंसर के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, और यदि आप एक से ज्यादा चूज करते हो तो वो आपका सही आंसर में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ध्यान रहे। पिछले वर्ष की तरह इस साल भी निष्पक्ष भाव से प्रतियोगिता कराई जाएगी, और अंतिम निर्णय जो होगा रिजल्ट का वो टीचर्स मैनेजमेंट कमेटी ही डिसाइड करेगी। इसमें कोई हस्तक्षेप ना करें, और एग्जाम देने के बाद यदि कोई घर जाना चाहता है तो वो रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहता या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का वेट नहीं करना चाहता तो वो अपने घर जा सकता है। झेड़ी में पेड़ पौधों पर कोई ना चढ़ें, तालाब के पास ना जाएं, डिसिप्लिन में रहें।